नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। MIG थाना पुलिस द्वारा सोमवार देर रात पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के साथ दो अन्य बदमाश फरार हो गए। फरियादी जब अपने घर से ड्यूटी के लिए ACP ऑफिस जा रहा था, तभी बाइक पर आए चार बदमाशों ने उनसे मंगरौला के सरपंच का पूछा और दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद बाइक पर आए दो बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर देसी कट्टे से दो गोलियां चलाईं और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा सूचना मिलने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। थाना प्रभारी अजय वर्मा के अनुसार सोमवार सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा के कार्यालय पर पदस्थ प्रधान आरक्षक शिव कुमार पिता लक्ष्मी नारायण यादव निवासी MIG पुलिस लाइन के घर कुछ अज्ञात बदमाश पहुंचे और उन्हें मंगरौला के सरपंच के बारे में बातचीत शुरू की, जिसके बाद दोनों का आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद बदमाश ने देसी कट्टा निकालकर फरारी शिव कुमार पर दो फायरिंग कर दिए, जिसके बाद तुरंत MIG पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं उसके दो अन्य साथी हरवीर और रणवीर फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो कुछ समय पहले जब सरपंच पद के चुनाव थे तो दोनों ही परिवार की बेटी सरपंच पद के लिए खड़ी हुई थी। मामला गांव मंगरौला का बताया जा रहा है। यहां सरपंच पद का चुनाव जीतने के बाद गोली मारने आए बदमाश और फरारी के बीच विवाद चल रहा था। बदमाशों का परिवार सरपंच पद का चुनाव हार गया था, वहीं फरियादी का परिवार सरपंच पद जीत गया था, जिसके चलते ये घटना हुई है। कल दिन में थाना MIG क्षेत्र में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर एक आरक्षक था, उससे दो मोटरसाइकिल पर चार व्यक्ति अलग अलग थे वो, और मिलने आए और कुछ उससे बातचीत वगैरह हुई, कहा सुनी हुई, और उस पर उन लोगों ने उसके ऊपर फायर किया, दो राउंड फायर किए थे। पुलिस ने FSL को मौके पे बुलाया था और जो भी मौके पर जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये बात सिद्ध होती है कि गोली चली थी, और पुलिस इसमें CCTV फुटेज भी निकाल रही है उस पूरे रास्ते के, और आरक्षक के ऊपर क्यों गोली चलाएगी इसके बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है। जी हाँ, एक शिवपुरी का है जहाँ पर एक सरपंच थी, वो उस सरपंच पिछले कई दिनों से अपने घर पर नहीं है और उसको ढूंढते हुए वो लोग आए थे। उनको लगा कि ये जो आरक्षक है उसके पास, संभवतः उसके पास में वो सरपंच होगी। सरपंच के बारे में जब वहाँ पर शिवपुरी पुलिस से भी पूछा गया तो उनका कहना था कि उसने वो कहीं पे गई नहीं है, वो उसके और थाने पर भी उसने सूचना दी है कि मैं जा रही हूँ। ये जो आरक्षक है जो शिवपुरी के ही रहने वाला है, ये लड़ाई जो है वो सरपंच जो पंचायत के जो चुनाव हुए थे जब से चल रही थी, एक पक्ष जो जिन्होंने गोली चलाई वो था और दूसरा पक्ष ये जो आरक्षक है इसके परिवारजन थे। इसमें दो आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए, पुलिस उनकी रिमांड ले रही है और दो आरोपी जो अन्य है उनकी पुलिस तलाश कर रही है।